गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज द सेवेंथ लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज डेट है 28th of June और आज हम लोग अपने चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टुडे इज डेट इज 28th। लेट्स गो अहेड। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा और इसमें हेडिंग में चेंज करूं तो लिखूंगा ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल। आज हम एक बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक बैटरी क्या होता है और कैसे वर्क करता है। क्लियर, देखते हैं कि एक सेल बैटरी कैसे वर्क करता है हमारा। निधि लास्ट में देखेंगे उसको, निधि पहले क्लास कर लेते हैं। चलिए, तो हम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ईएमएफ इंटरनल सेल की बात करते हैं तो एक सेल होता क्या है? तो जनरली अगर आप सेल देखोगे तो सेल एक जार की तरह होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, जो केमिस्ट्री में आप कैथोड और एनोड कहते हो। ठीक है, अब ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है कि कैसे केमिकल रिएक्शन की वजह से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जिसको कहते हैं ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और इसमें बी, और इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एक के पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक हो के पास रिडक्शन हो रहा होता है। क्लियर, जिसके पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, और जिसके पास रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। तो कहने का पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सेल क्या करता है, तो सेल क्या करता है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई सेल। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आया सबको क्या? तो समझने की यहां पर जरूरत यह है कि हमारा बैटरी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, इसको और क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वैसे ये, कैसे सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना भी आपको 12th में, तो कुछ नई चीज नहीं है, आपको पढ़ना भी होगा कैसे एक हाफ पे ऑक्सीडेशन होता है, एक हाफ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, एक रॉड जिंक का ले लेंगे, दूसरा रॉड कॉपर का ले लेंगे, जिंक वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर, थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से अपना शुरू होता है टॉपिक इन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग ईएमएफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ क्या होता है इस सेल का, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और कोई भी कंडक्टर है मान लीजिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया, हमने क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया। अब हम जानते हैं कि सेल में एक क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। सेल का दूसरा टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, तो इसको कह सकते हैं हम लोग हायर पोटेंशियल कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल। क्लियर, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेक चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर बात करें, ईएमएफ की बात करते हैं, तो ईएमएफ वो कैपेबिलिटी है जो चार्ज को मूव कराता है। अगर सबको अगर मैं बताऊं तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि सर्किट में इतना पोर्शन ब्रेक है, सर्किट में इतना पोर्शन जो है वो ब्रेक है। तो ये ईएमएफ कुछ नहीं है, एक कैपेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को पूरे पाथ में यहां से पूरा यहां तक क्या करवा दे, मूव करवा दे। या दूसरा डेफिनेशन है कि वर्क डन बाय द बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। यानी किसी 1 coulomb चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में
मूव करने के वर्क डन को कहते हैं हम लोग ईएमएफ। याद रखिएगा दो डेफिनेशन है, वर्क डन टू मूव मूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम आउटसाइड, या कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पे ले जाने में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? तो ये होता है ईएमएफ। इसको एक्चुअली इसका यूनिट जो होता है, यूनिट होता है इसका वोल्ट। और आज तक आप लोग जब सेल के बारे में उसका 2 वोल्ट 3 वोल्ट लिखते थे वो उसका ईएमएफ लिखते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या अगर सही मायने में कहो तो उसका पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? तो लिख लीजिए सब लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल, एवरीवन नोट इट डाउन, ईएमएफ ऑफ अ सेल। दो प्रोमिनेंट डेफिनेशन से एक डेफिनेशन और मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। It is represented by क्लियर? इसके बारे में आप बात कर रहे थे, कई कुछ लोगों ने इसको एप्सिलॉन समझ लिया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूं तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड ई। ठीक है, जल्दी ड्रॉ भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए इसको। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने, चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। So yes, it noted, note कर देना तो yes कह देना, so that we can move ahead. बिल्कुल आदर्श फिगर जरूर बनाए। राघवेंद्र ने कहा कैन बी कॉल इट अ कैपेसिटर, नहीं इसको कैपेसिटर नहीं कह सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना नहीं होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसमें चार्ज स्टोर होता है। बिल्कुल सही, वैष्णवी ने कहा कि सर जो ईएमएफ तो नहीं कह सकते, ये बैटरी जो होता है ये बैटरी एक क्लोज सर्किट बनाता है। बिल्कुल सही है। अब आपके मन में जरूर सवाल होगा कि सर मैं मान लिया कि बाहर का तो सर्किट पूरा कंप्लीट है लेकिन अंदर में सर्किट कंप्लीट नहीं दिख रहा, वो ओपन है, तो वो करंट का फ्लो होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू फ्लो करता है। और कैसे करता है तुरंत समझाता हूं, giving you hardly 30 seconds, अब लिख चुके होंगे आप लोग। निधि ने हैंड रेज किया है, बोलिए निधि। सर वो आठ रेजिस्टेंस है बैटरी का, उनका सर्किट है, डिवाइस है जो बनवा लिया, सर्किट है इसमें जिसमें बैटरी को लगाए हैं। सर वो आर मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइस को, रिप्रेजेंट कर रहा है। आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए, नॉर्मल सोच है, रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट फ्लो करेगा। यस कर समझ लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों अब मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। एक बैटरी का काम है दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, समझ गए?
एक टर्मिनल इसका प्लस है, एक टर्मिनल इसका प्लस है, दूसरा टर्मिनल इसका नेगेटिव है, एक हायर पोटेंशियल है और दूसरा लोअर पोटेंशियल, डन। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपना डिवाइस भी है, ये अपना डिवाइस भी है। अब मैं बात करता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस रेफर्स टू द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सेल्स एंड बैटरीज देमसेल्फ जनरेटिंग हीट। समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है पूरे सर्किट में, लेकिन जब यहां बैटरी के अंदर जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच करंट को फ्लो करेगा, आयंस मूव करेंगे, तो इनमें भी तो क्या होगा, कंसेक्यूटिव कोलिजंस होंगे, यहां भी तो हिंड्रेंस होगा। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करूं अगर, तो लिखता हूं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? इट इज सिंपली रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल। क्लियर? ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो रास्ते में अब हमारा एक पार्ट हो गया, ये जो आपका बैटरी के अंदर का जो लिक्विड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी हमारे सर्किट का एक पार्ट है। तो करंट के फ्लो करने के दौरान जिस वक्त करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा, उस वक्त जो हमको रेजिस्टेंस मिलता है फ्लो ऑफ करंट में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नाम सुना है आपने, इंटरनल रेजिस्टेंस इज सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं इसको अगर बोलूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस करेगा क्या, तो बैटरी के अंदर ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपको भी पता है अगर रेजिस्टेंस होगा तो हीट जरूर जनरेट होगा, I²RT। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बैटरी को यूज करते हैं तो बैटरी में हमेशा कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है या बैटरी गर्म हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्या यानी वो बैटरी की सप्लाई की कई गई एनर्जी का कुछ पार्ट वो खुद ही खा जाता है टू जनरेट हीट। इज इट क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए सब लोग जल्दी से, दोबारा फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लीजिए, आपके पास दो टर्म आए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो एक बैटरी में आपके पास दो चीजें आ गई, एक होता है उसका ईएमएफ और दूसरा होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यही दो टर्म्स आपको बैटरी बनकर डिफाइन करते हैं। हर एक बैटरी में दो चीजें जरूर होती है, एक उसका ईएमएफ और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दीज बोथ आर द अल्टीमेट थिंग्स व्हिच इज मस्ट इन एनी ऑफ द सेल। हर सेल के अंदर दो चीजें जरूर होती है, ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? आज के बाद कोई सेल पूछ देता है आपको, तो पूछना उससे कि बताओ इसका ईएमएफ कितना है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। आदर्श वहां इक्यू लिखे, आदर्श मैं आपको बोल रहा हूं हर सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ई होता है और आर होता है। ठीक, ई और आर होता है। हर सेल के पास एक अपना ईएमएफ होता है और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और कुछ नहीं बोला मैंने। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक हम बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल कैसे काम करता है। तो सेल के बारे में याद रखना है कि दो, एक्चुअली दो हाफ होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है। एक में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब थोड़ा हम लोग आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी के बारे में। ठीक है, अब हम एक बैटरी को सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सर इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर एक बैटरी अगर आपको दे दिया जाए तो बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, फिगर जो बना हुआ है ई से। याद रखिएगा, अगर मेरे बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, यानी स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि पॉसिबल नहीं, आइडियल केस पॉसिबल नहीं होता है।
मान लीजिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है? सिर्फ ई से। आइडियल सेल का मतलब होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। अगला होता है नॉन आइडियल सेल का, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। तो उस केस में जनरली हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ER से। याद रहेगा किसी भी नॉन आइडियल या रियल सेल अगर बात करें हम लोग, तो उसमें कोई सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ER से। लेकिन अगर सेल आइडियल हो, इसका मतलब आइडियल का मतलब क्या होता है, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टर्म यूज हो जाता है कभी कभी, टर्म ये कभी कभी यूज हो जाता है, कौन सा सेल आइडियल है कौन सा सेल नॉन आइडियल। आइडियल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इतना याद रखना। इज इट क्लियर? हमने आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी, मैं टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूं, इवन आप जानते भी हैं तो इसको समझ रहे। यानी एक सेल के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं ई और आर, हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। नॉन आइडियल का मतलब अदर्स यू कैन से दैट्स रियल, बट रियल इज नॉट द वर्ड दैट इज यूज एक्चुअली। तो उसको नॉन आइडियल सेल हम लोग कह सकते हैं। ये भी टर्म इतने यूज नहीं होते, नॉर्मल एक सेल यूज होता है। सेल जब भी दे रहा है तो आपको उसके पास EMF है और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी कह देगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो, तो वेरी लो है तो मान लेते ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है? क्लियर सर? वैष्णवी ने सवाल पूछा, सर आइडियल में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा इसीलिए चार्ज फ्लो हो जाएगा। वैष्णवी चार्ज तो दोनों में फ्लो होगा, वैष्णवी चार्ज दोनों में फ्लो होगा। आप दोनों में अगर लगाओगे, मैं एग्जांपल देता हूं वैष्णवी, दोनों में क्या होगा समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए दोनों में एक रजिस्टर लगा देता हूं, मान लीजिए इसको फिगर में शो मत कीजिएगा, इसको आप दोनों में रजिस्टर लगा दिया, तो ऊपर में देखेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यही फर्क है बस। क्या ये क्लियर है सबको? आशीष, दोनों का प्रेजेंटेशन जो है वो सेम ही रहेगा। आइडियल नॉन आइडियल में थोड़ा कोई फर्क है, बस एक में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दूसरे में नहीं होगा। एक में खाली ही होगा दूसरे में ER होगा। सेल को ये अलग से रेजिस्टेंस भी शो नहीं करते हैं, खाली सेल ड्रॉ कर दिया मतलब कि उसके अंदर का रेजिस्टेंस भी आ गया। जरूरी नहीं है कि आपको वो रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने की जरूरत है, वो भी ड्रॉ नहीं करते हम लोग। क्या क्लियर है क्या योशी? वैष्णवी आपका डाउट क्लियर है क्या? वैष्णवी आपने बोला था कि क्या होगा जब एक इंटरनेशनल होगा और नहीं होगा, तो करंट एक में करंट का कंपैरिजन देख लीजिए, एक में करंट ER होगा दूसरे में करंट ER+R होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's go ahead, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है वो हमने बात किया। अब मैं थोड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं, जिसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा होती है, कि आखिर एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल चेंज कब होता है। मैंने आपको याद करो बताया था कि एक वायर में अगर आप मूव करते हैं और अगर आपको कुछ भी नहीं, बैटरी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं मिलता है, तो पोटेंशियल सब जगह का सेम होता है। अगर ये ए है तो इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, ए है। लेकिन अगर मेरे रास्ते में या तो बैटरी और रेजिस्टेंस इन दोनों में से कुछ भी मिल गया, तो हम मानते हैं कि मेरा पोटेंशियल अब सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यही लॉजिक है कि एक बैटरी में, अगर एक सर्किट में अगर आपके रास्ते में बैटरी या रेजिस्टेंस मिल जाए, तो आप कहते हो कि अब आपका पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है? तो पोटेंशियल चेंज होगा तो या तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसको समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक सर्किट है और मान लीजिए करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, बैटरी है बीच में, बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मान रहा, सिंपल एक बैटरी है जिसका EMF कितना है, E है। इसका EMF कितना है, मान लीजिए E है, क्लियर? इसका EMF क्या है, E है। और एक और एग्जांपल ले लिया, इसमें भी बैटरी क्या है, I है, करंट I है, और EMF क्या है, E है, क्लियर?
मैं चाहता हूं कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे। तो एक रूल है, याद रखिएगा, एक रूल है याद रखिएगा कि अगर आप अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, याद रखिएगा अगर आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आपको पहले लोअर मिल रहा है और उसके बाद हायर पोटेंशियल मिल रहा है, अगर आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हो अगर, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, आपका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। लेकिन अगर आप हायर टू लोअर जा रहे हो, अगर आप हायर टू लोअर जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल फॉल कर जा रहा है। यहाँ पोटेंशियल का क्या हो जा रहा है, राइज हो जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल का क्या हो जा रहा है, फॉल हो जा रहा है। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि हम शुरू करते हैं VA, VA, ठीक है? आप बताओ कि पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी। हम कहां पहुंच गए, इसके बाद क्रॉस कर गए इस बैटरी को, हम बैटरी को क्रॉस कर गए, तो कहां पहुंच गए, फिर बी पे पहुंच गए। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि मेरा जो वीबी माइनस वीए जो होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू ई। यानी जब बैटरी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो हमेशा आप देखें कि आप कैसे मूव कर रहे हैं, आप कैसे मूव कर रहे हो। तो आप अगर लोअर टू हायर मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर आप हायर टू लोअर मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल फॉल करेगा। मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में आप ए पे हैं, आप ए पे हैं और ए से आप आगे बढ़ रहे हैं, ए पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला आपको, सीधे क्या मिला, बैटरी मिला। तो जब आपको बैटरी मिला तो आप क्या देखे कि आप हायर टू लोअर जा रहे हो, यानी उतना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो क्या लिखोगे, माइनस इक्वल टू, फिर कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में वी ए माइनस वी बी आ रहा है, और पिछले केस में कितना आया था, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई। इज इट क्लियर? क्या एक बैटरी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया क्या? बोलिए, इफ वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी दोनों एंड्स के बीच, तो क्या निकालेंगे, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैंने बोला बैटरी के दोनों टर्मिनल पे ए और बी लगा दिया है, बोला कि अगर आप लोअर से हायर जाइएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर आप हायर से लोअर जाइएगा तो पोटेंशियल घटेगा। अगले तीन क्लास में यही करने वाले हैं यूज, खाली याद रखिएगा। अगला तीन क्लास जो हमारा होने वाला है वो यही जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं यही यूज होने वाला है, यही मेरा मेन जिस्ट होने वाला है, ठीक है? एक सर्किट में पोटेंशियल कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, क्लियर? तो दो ही चीजें मिल सकती हैं, बैटरी मिल सकता है या तो रेजिस्टेंस मिल सकता है। बैटरी में अगर आप लोअर से हायर जाओ पोटेंशियल बढ़ गया, हायर टू लोअर जाओ पोटेंशियल घट गया। मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए E1, E2, E3, E4, E5, मान लीजिए कुछ करंट ऐसे पास कर रहा था, वो मतलब नहीं, कभी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आपको करंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और मान लीजिए आपका पॉइंट क्या है, ए है, और ए से कहां पहुंचना है हमको, बी पे, ए और बी के बीच निकालना है। मैं देखता हूं, मैंने शुरू किया ए से शुरू किया, तो पहले क्या बढ़ गया, पोटेंशियल प्लस हो गया E1, फिर क्या हो गया, माइनस E2, फिर क्या हो गया, प्लस E3, प्लस क्या हो गया, E4, माइनस क्या हो गया, E5, इक्वल्स टू कहां पहुंच गया, बी पे। इज इट क्लियर? क्या तो क्या अगर मेरे से कोई बोले यार कि VA माइनस VB निकालो तो नहीं निकाल लेंगे। एक बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल राइज और फॉल कैसे करता है ये समझाने की कोशिश कर रहा था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? देखो अब लॉजिकल चीजें आएंगी। सिर्फ एक बैटरी के क्रॉस कैसे पोटेंशियल राइज और फॉल होता है, लॉजिक कुछ नहीं है, ये लोअर टू हायर और हायर टू लोअर वाला है।
और याद रखना एक और बात बताता हूँ, अगर आप इसके उल्टा भी मूव करते, अगर आप बी से ए मूव करते, मान लीजिए अगर आप बी से ए मूव करते तो भी आपको इक्वेशन सेम ही आता। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिएगा सब, ये ग्रीन कलर से जो एग्जांपल शो कर रहा हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बी से ए जाते तो क्या होता, तो मान लीजिए दूसरे वाले में बी से ए जा रहा है, पहले क्या लिखते हैं, बी बी, ठीक है, मुझे एक सेल मिल रहा है, क्लियर है, जहां पे अपने को पोटेंशियल क्या हो रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, इक्वल टू फाइनली कहां पहुंच गए, ए पे, तो कहां फिर से क्या आ गया, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो गया, सेम ही आएगा। यानी आप लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे राइट टू लेफ्ट जाओ, आपके बैटरी के बीच के बैटरी में जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्लियर है, दोनों बिल्कुल क्या है, दोनों सेम है। राघवेंद्र, बैटरी अगर पैरेलल टाइप कनेक्शन में रहता है तो देखेंगे पैरेलल टाइप कनेक्शन में हम लोग क्यों पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग एक बैटरी का देख रहे हैं, हम लोग दो बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारा फोकस सिंगल बैटरी पे है राघवेंद्र। डबल बैटरी के लिए हम एक बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल का राइज कैसे होता है और फॉल क्या होता है ये समझना चाहते हैं। आप जो बोलो पूरे सर्किट की बात करो और वो हमारा टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। रेजिस्टर है, मान लीजिए एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक और है रेजिस्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। दो केसेस मैंने लिए हैं, मैं दोनों में देखना चाहता हूं कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। याद रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीजें, आप करंट के साथ मूव कर रहे हो या आप करंट के ऑपोजिट मूव करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा आप करंट के साथ मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग अलोंग द करंट याद रखिएगा पोटेंशियल का होगा फॉल। सिंपल बात कह रहा हूं, पोटेंशियल का होगा वी, क्या हो जाएगा, वी फॉल्स, क्लियर। और अगर हम करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो V हो जाएगा राइजेस। याद रखिएगा अगर आप करंट के साथ चलते हो तो ये क्या कर रहा है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या रेजिस्टर के बारे में हमने बात किया था, क्या ये हमेशा लोड की तरह का बिहेव करता है, बोलिए क्या हमने करंट के बारे में बात किया था क्या, कि हमेशा ये जो रेजिस्टर होता है ये लोड की तरह मतलब करता है। मैं बताता हूं ऋषि, क्या हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था कि रेजिस्टेंस हमेशा लोड की तरह बिहेव करता है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, क्या ये बात क्लियर है क्या। हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर चुके थे कि हमेशा हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एक लोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं ए से बी के तरफ सर्किट में मूव कर रहा हूं, शिवम मैं सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं एक पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे बैटरी में भी फॉलो किया था ए से बी के तरफ, तो यहां भी हम एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपने पाथ को करंट के अलोंग फॉलो कर रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, फॉल करता दिखेगा। एग्जांपल देता हूं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा, आई आर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी ए, ए पे है, अब मेरे को रेजिस्टर मिला, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल करेगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर इक्वल्स टू वी बी, क्लियर। दूसरा केस देखिएगा कि जब हम लोग ए से बी के तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वी ए है, ए है हमारा, क्लियर ए है, उसके बाद हम इस बार करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो गौर से देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको भी पता है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर इक्वल्स टू वी बी, इज इट क्लियर क्या। तो ये वी ए माइनस आई आर इक्वल्स टू वी बी है, ये क्या है, वी ए प्लस आई आर इक्वल्स टू वी बी है, इज इट क्लियर, क्या समझ में आया क्या, कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कभी भी आप करंट के साथ चलोगे तो पोटेंशियल हमेशा फॉल करेगा, कि अगर आप करंट के ऑपोजिट चलोगे तो हमेशा हमेशा क्या करेगा, पोटेंशियल राइज करेगा। दोनों लॉजिक याद रखना, बैटरी में तो टर्मिनल से दिख जाता है कि लोअर टू हायर है कि हायर टू लोअर जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस में साथ तो फॉल ऑपोजिट तो राइज, सिंपल यही लॉजिक है। और मैंने आपको इसके लिए रीजन भी दिया, रीजन क्या दिया था आपको, मैंने आपको रीजन दिया कि करंट जो होता है वो रेजिस्टर में हमेशा, रेजिस्टर जो होता है वो हमेशा लोड की तरह बिहेव करता है, तो लोड का मतलब जिधर से करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला क्या हो गया, नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टर के क्रॉस बना दिया है, आप खुद देख लो
कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल करेगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है क्या? क्योंकि ये पूरा इसी पे बेस हमारा पूरा का पूरा आगे का सारा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैं इसको लेकर के अभी कंबाइंड एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। एक कंबाइंड एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। ए है और ये मेरा बी है, क्लियर? आप फिर से मुझे बताइए, आप मुझे बताइएगा क्या होगा। मैं ए से आगे बढ़ रहा हूं, पोटेंशियल एट ए, क्या लिखें बोलिए? पहले सेल के क्रॉस राइज या फॉल, सब लोग बताओ। पहले सेल के क्रॉस पोटेंशियल राइज या फॉल, सब लोग। पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग दैट पोटेंशियल विल राइज, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोअर टू हायर जा रहे हैं। पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस इवन, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा। अब रजिस्टर के अक्रॉस कभी भी देखना है तो आपको करंट देखना चाहिए, तो करंट कैसे है, करंट ऐसे है। अब बोलो क्या होगा रजिस्टर के अक्रॉस, राइज या फॉल? रजिस्टर के अक्रॉस राइज या फॉल, बिल्कुल सही है, राइज। कितना होगा, आई इंटू आर वन। नहीं आनंद, याद करिए करंट के ऑपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, राइज होता है। क्लियर है क्या? तो अब हम कहां पहुंच चुके हैं, हम रजिस्टर को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ई टू को क्रॉस करने के बाद पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो ई टू अगेन ऑपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, माइनस ई टू हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, E2 को क्रॉस कर चुके हैं, अब R2 को क्रॉस करके B पे पहुंचना है, क्या करेगा, R2 में क्या होगा बोलिए एवरीवन, R2 में क्या होगा, क्या फिर से वही हालत हो जाएगी, करंट के ऑपोजिट चल रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, आई आर टू इक्वल टू कहां पहुंच गए, B पे, क्या नहीं, क्या दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, बोलिए क्या हम लोग दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? हो सकता है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज ना कराऊ मैं, ये क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगला पूरा का पूरा क्लास इसी टॉपिक पे चलेगा, तो जो आज बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगले क्लास में कुछ लेके जाना है तो यही लेके जाना है। क्या सबको क्लियर है? गुड, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये, आई होप कि सबको कैसे पोटेंशियल का राइज होता है, कैसे पोटेंशियल का फॉल होता है, समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, लिख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। देख लिया, वेरी गुड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं जो कि है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है बोर्ड्स में,
ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह बेसिक्स तो है ही है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, वैष्णवी जंक्शन के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी हम लोग एक रेजिस्टर और एक बैटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत आगे की तरफ ना सोच रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड से बोलूं, लिखते हैं हम लोग, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। आप बोलोगे कि सर ये क्या, अभी तो हमने पढ़ा था ईएमएफ, आपने बताया था कि ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एक सेल के अंदर एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जब करंट को पास कराएंगे उससे, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल में चेंज लाएगा उस सेल के अक्रॉस। उस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है उसमें क्या लाएगा, कुछ चेंज लाएगा। तो कैसे लाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा पहला केस मैं ले रहा हूं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो मैं इसको तीन केसेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक सेल है स्मॉल ई और ये मेरा ई आर एक सेल है। ठीक है, अब सेल तो सेल के अंदर क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जानते ही हो। तो ए और बी उसके दो टर्मिनल्स है, एक बैटरी का दो टर्मिनल्स क्या है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। और उस बैटरी के अंदर में क्या है, दो चीजें, एक ईएमएफ है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि ए से बी के क्रॉस देखते हैं और मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है और पहला केस लिया है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब है कि करंट, बैटरी जो है वो करंट दे रहा है, क्लियर है, बैटरी करंट दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो गौर से देखिएगा, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई, तो क्या लिखिएगा, BA, VA, प्लस E लिखिएगा, क्या प्लस E बैटरी मिला, फिर क्या मिल रहा है, करंट के साथ चल रहे हो तो I इंटू क्या हो जाएगा, R मिल जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, BB हो गया क्या। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू E माइनस IR कह सकते हैं क्या, बोलिए, E माइनस IR कह सकते हैं क्या, E-IR, यही है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, यानी एक बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आदर्श, ठीक है, आदर्श मैं कह रहा हूं कि एक बैटरी है मेरे पास जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, करंट दे रहा है, ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। अब मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि बैटरी के दो टर्मिनल्स है, एक साइड का ए है दूसरी साइड का बी है। ठीक, अब बैटरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका सेल, दूसरा होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वी ए से शुरू करो, मैं अगर ए से शुरू करूं तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बैटरी पोटेंशियल का राइज हो जाएगा, पता है आपको, ई हो जाएगा, और फिर करंट के साथ चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। तो मैंने उससे क्या निकाल लिया, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया, ई माइनस आई आर। क्लियर, एक काम करते हैं, एक और केस लेते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी जब चार्ज होता है तो क्या कहते हैं, तो बैटरी देखो ये हमारा सेल है और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। चार्ज होने का मतलब होता है कि बैटरी को ही करंट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, वी ए, ए से शुरू करता हूँ फिर से, ए में फिर पहले मुझे बैटरी मिला, करंट जैसे भी हो कोई मतलब नहीं है, बैटरी में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल राइज हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब हम लोग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम चल रहे हैं, अब हम लोग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल सही, आदर्श ने कहा है कि सर जो बैटरी है वो लोड की तरह एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो मैंने बताया था आपको। तो क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज नहीं कर जाएगा? बोलिए, क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा? एवरीवन टेल मी, क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल राइज नहीं हो, क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, ना कि साथ में, हम ए से बी जा रहे हैं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। आई आर इक्वल टू कहां पहुंच गए? बी। तो गौर से देखिएगा, क्या ये कुछ ऐसा आ गया क्या? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। याद रहेगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज होने के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होता है, लेकिन चार्ज होने के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ई प्लस आई आर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए। क्या सब लोग अभी जो हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल का राइज और फॉल, क्या वो चीजें यहां यूज हो पा रही हैं क्या? सब लोग टेल मी, क्या सबको ये समझ में आया? कहां दिक्कत है ये बताओ। दिव्या आया समझ में? आदर्श, राघवेंद्र, चलिए तीसरा केस बहुत सिंपल है। करंट मेरा जीरो है तीसरे केस में, I इज इक्वल टू जीरो। इस केस में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी एक्चुअली रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा। ए बी के अक्रॉस देखेंगे तो क्या होगा? वी ए प्लस ई इक्वल्स टू वी बी। वैसे तो क्या लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई। बोलिए कह सकते हैं क्या? क्या इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल हो गया क्या? यहीं से मेरा ईएमएफ का तीसरा डेफिनेशन आता है। इसको ऐसे भी कहते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, थ्रू इट। जब उससे कोई करंट पास नहीं करेगा, उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होता है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या कैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आती है? कितना इंटरनल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है? कभी हमारा बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, कभी मेरा घट जाता है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो आज मैंने रोज की तरह नहीं, आज कई छोटे छोटे टॉपिक एक साथ निकले हैं जल्दी जल्दी। क्या किसी को कहीं भी कोई तकलीफ है तो पूछिए। निधि इज इट क्लियर? मैं आपको देता हूं टाइम, थोड़ा आप लिख लीजिए जल्दी से 30 सेकंड, फिर आज के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्स का कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। अरिज कह रहा है अभी वाला डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है अरिज? अरिज लिख लेते हैं, अरिज अरिज बोल रहा हूँ लिख लो ना, अरिज बोल रहा हूँ लिख लो। एक्चुअली माई आई लॉस्ट माई डिजिटल पेन, आई एम जस्ट राइटिंग विद माई हैंड्स।
तो इसलिए गंदी हैंडराइटिंग बन रही है काफी ज्यादा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिखवा रही, अरे लिखो लिखो। ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड एज, लिख लो, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड एज, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैन बी डिफाइंड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when no current passes through the battery, when no current passes through the battery, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन इससे एक आता है, सीरीज ज्यादा पैरल आता है। ठीक है, बट देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने ऐसा देखा कि मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास सेल है, एक E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, मेरे पास एक सेल है E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, ए और बी के बीच लगा दिया है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपको ही पता है करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, क्लियर है? तो मान लीजिए अगर कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी अगर देखना, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी देखना, तो क्या कहेंगे हम लोग, शुरू करो कहानी। वी ए, ठीक है, सबसे पहले क्या मुझे मिला, बैटरी मिला, तो क्या लिखेंगे, प्राइस मिल रहा है तो क्या मिलेंगे, E1। ठीक, अच्छा उसी के अंदर एक रेजिस्टर भी मिल रहा है, तो रेजिस्टर मिल रहा है तो करंट के साथ चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा क्या। क्लियर है? मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, तो प्लस क्या लिख दिया हमने, फिर से क्या मिला मुझे, एक बैटरी मिला E2। क्लियर, फिर एक उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस IR2 इज इक्वल टू व्हाट, VB। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर क्या, मुझे बैटरी मिल रहा है लेकिन साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, फॉलो जा रहा है। ठीक है, और आपको भी क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, तो E माइनस IR ही होगा दोनों सेल के अक्रॉस। अब मैं अगर लिखने जाऊं कि बताइए मुझे VB माइनस VA यानी दोनों B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I, R1 प्लस R2। इज इट क्लियर क्या, E1 प्लस E2 माइनस I, R1 प्लस R2। Is it clear? तो हमने क्या लिया है? हमने क्या लिया यहाँ पे कि VB माइनस VA था। ठीक है, तो ये E1, अब ये एक्चुअली अगर हमने देखा तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा दिख रहा है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I, R1 प्लस R2। अब यहां पे बात है कि मान लीजिए आप दोनों बैटरी को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी लगाते हैं, और यहां पे आता है इक्विवेलेंट सेल, यहां पे एक टर्म आता है इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, अ सेल विच कैन replace all the cells in combination with no change,
with no effect on circuit, with no effect on circuit. Is it clear? ठीक है वहां पे R1 plus R2 होगा बिल्कुल सही R1 plus R2 होगा बिल्कुल सही Aris R1 plus R2 होगा बिल्कुल 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 R1 plus R2 होगा ओ छूट गया था तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं दोनों सेल को उठा के गटर में डालूं और उन दोनों के जगह एक इक्विवेलेंट सेल लगा दूं कैसा देखने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह का सेल में लगाना चाहता हूं ठीक है वो क्या होगा ई इक्विवेलेंट कॉमा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा आर इक्विवेलेंट क्लियर है तो ए और क्या है बी है और करंट तो उतना ही रहने देना है तो क्या हो जाएगा आई तो अगर मैं अब बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए वी वी माइनस वी ए इसमें कितना हो जाएगा तो आप जानते हो बहुत क्लियर है ई माइनस आई आर हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट क्लियर है क्या ये मेरा अब है इक्विवेलेंट वाला केस है ये मेरा है इक्वेशन टू और ये मेरा है इक्वेशन वन क्लियर है क्या यानी एक मैंने बोला कि दोनों बैटरी के साथ मिला करके मैंने बोला दोनों को हटा करके अगर एक ही बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा अदर्स इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है अदर्स सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा है क्या क्या सीरीज पहचान नहीं सकते हो एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज नहीं जानते हो क्या होता है यू नीड समथिंग टू आइडेंटिफाई ऑब्वियसली करंट सेम होगा सीरीज में डू यू नीड समथिंग टू आइडेंटिफाई क्या क्लियर कट नहीं दिख रहा है एंड टू एंड कनेक्शन है ठीक है तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो बहुत क्लियर है कि मेरा ई इक्विवेलेंट जो होगा मेरा जो ई इक्विवेलेंट होगा विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 ई की जगह क्या है E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा R1 प्लस R2 बोलिए आते हैं राघवेंद्र उस पर आते हैं क्लियर यही है मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये डेरिवेशन है जल्दी इसको लिख लीजिए बिल्कुल शिवम दोनों बैटरी की पोलैरिटी अगर डिफरेंट होगी तो क्या होगा मैं तुरंत बताता हूं आपको डोंट वरी जल्दी इसको करें लिखें जल्दी इसको आप इसको लिखें मैं बताता हूं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होगी तो क्या होगा बेसिक एक डेरिवेशन बताया है अभी आपको कि अगर दो बैटरी लगे हुए हैं सीरीज में तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है E1 plus E2 minus IR1 plus R2 और दोनों को हटा के एक ही लगा देंगे तो क्या होगा E equivalent minus IR equivalent दोनों को इक्वेट कर दिया तो E equivalent क्या आ गया EMF का सम और R equivalent क्या हो गया R का सम सीरीज में फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है लिखने पहले फिर हम लोग आगे बात कर सकते हैं इसके बारे में आनंद आते हैं यार सीरीज की बात तो खत्म नहीं हुई तो हम पैरेलल में चले गए अभी सीरीज में ही फंडे हैं तो पैरेलल मेहनत करेंगे थोड़ा सा पैरेलल में सीरीज थोड़ा इजी था और ये डेरिवेशन कभी सच्चाई बता रहा हूं कभी आया नहीं आज तक क्योंकि इतना इजी है कि क्या ही पूछेगा इसमें आदर्श क्या आपको लग रहा है बनाने का तो बना लो हर चीज पूछोगे यार ये क्या शो कर रहा है क्या इक्विवेलेंट सर्किट शो कर रहा है क्या डू यू फील यू नीड टू मेक अंडरस्टैंड कर लो वरना मत करो यार आदर्श तेरा ग्रोथ टाइमली नहीं हो रहा है भाई बॉर्नविटा पी तू
जो सवाल तुम पूछते हो ना वो अंडर एज है, या तो सुबह सुबह उठते हो 10 बजे क्लास होती है तो नींद ठीक से खुल नहीं पाता है, या और भी हो सकता है दिमाग को रेस्ट में दिए, रेस्ट में भेजे हुए हो। चलो ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था कि आप समझ सको। इफ यू नीड टू यू नीड टू ड्रॉ जिसको है ड्रॉ करें इसको। चलिए लिख लिया होगा यार, कुछ सवाल थे आप लोगों के जिसको लेना जरूरी है यहाँ पे। वो क्या सवाल थे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक सवाल था कि सर अगर ये सेल्स जो हैं, पहले तो दो ही क्यों, दो से ज्यादा सिमिलर सेल्स लगाएंगे तो क्या होगा। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है कि इफ, पहला आता है इसमें जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका। ये तो दो क्लियर निकाला। तो जनरल फॉर्मूला होता है इक्वेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। ठीक है और R इक्वेलेंट इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। ठीक, एक सवाल पूछा आपने कि इफ सम सेल्स पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, इफ पोलैरिटी ऑफ सम सेल्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं उस केस में इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट में मेरा E1 है, ठीक है, और मेरा E2 की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो क्या हो जाएगा माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4। मान लीजिए कि हमने एक और पोलैरिटी रिवर्स कर दी, कितना हो गया E5 अप टू दैट विल सो गो ऑन अप टू EN। जितनी भी रिवर्स पोलैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये मेरी बात क्लियर है? बोलो शिवम आपका सवाल यही था ना, राघवेंद्र क्या आपका भी सवाल यही था? अगर किसी बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या? बोलिए आपका सवाल का जवाब दिया, लेकिन मेरे थोड़े और इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक जो मैं हमेशा लिखवाता हूं कि अगर सिमिलर सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इफ एन सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, एन सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, ऐसा नहीं आता है सीधा सीधा कनेक्टेड, तो आप बोलोगे इतना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये अगर एन सारे सिमिलर सेल्स हैं जो E इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा N into E हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N into R हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या इसमें? कोई तकलीफ है क्या इसमें? बोलिए क्या इसमें कोई तकलीफ है? अगर सिमिलर सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक, लेकिन इसमें एक और आता है पॉइंट, अगर सारे सेल्स सिमिलर है और कनेक्ट कर दिया तो एनी हो जाता है, लेकिन इफ एम सेल्स पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, मतलब कि 10 में सेल सीरीज में लगा रखे थे आपने, 10 में से आपने दो का अगर मान लीजिए पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो क्या होगा मुझे बताओ। 10 सेल सीरीज में लगा रखे थे, 10 ही मान लीजिए आपने दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो अब कितना ईएमएफ आर इक्विवेलेंट है आप बताइए बिना सॉल्व किए हुए। 10 सीरीज लगे हुए थे, दो रिवर्स कर दिया, कितना होगा?
ओहो, आठ कि छह? वेरी गुड, सिक्स। 10 था आपके पास, अब आपने रिवर्स 2 का किया, तो 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6 होगा। यही गलती करते हैं, तो याद रखिएगा इस केस में जो ई इक्विवेलेंट हो जाता है वो हो जाता है n-2m into e, लिख लीजिएगा। अगर m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो n-2m into e हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्या सबको ये फंडा समझ में आया? ये मैं इंपॉर्टेंट इसे लिखने को कह रहा हूं, लिख लो, मैं तुरंत रब भी कर दूंगा इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं रब करूंगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? एम आई मेकिंग दिस क्लियर? मैंने बोला कि 10 सेल लगे हुए थे आपके, 10 में से 2 को आपने रिवर्स कर दिया, तो 2 रिवर्स करोगे तो आपके 4 कम होंगे, 3 रिवर्स करोगे तो 6 कम होगा। दैट्स द पॉइंट। तो मैंने बोला अगर एम सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ n-m into e नहीं होगा, n-2m into e होगा। इज दिस क्लियर? मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, दैट्स इंपॉर्टेंट। Is it clear? Is it clear to all of you? नहीं आया समझ क्या? वैष्णवी ने हैंड रेज किया, वैष्णवी गो अहेड। सर एक बार रिवर्स पोलैरिटी इक्विवेलेंट वाला बता दीजिए ना। कौन से कौन सा? येलो, ये जो मैंने ऊपर में लिखा है ये वाला? सर नहीं सर, नीचे वाला रिवर्स पोलैरिटी वाला। मैं समझा रहा हूँ आपको, ओरली समझो। मैं कह रहा हूँ 10 सेल्स है वैष्णवी, 10 सेल्स में 2 की पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो क्या 4 नहीं कम हो रहा है क्या? अगर m सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो क्या जो ईएमएफ आ रहा है वो n-2m into e नहीं हो जाएगा क्या? यस सर, ये समझ गए। ये जो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू e1-e2+e3, इसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे ले रहे हो, अगर ये सेल की पोलैरिटी उल्टी होती तो क्या आपको e1-e2 नहीं लेना होता? यस सर, समझ गए समझ। ठीक है, चलिए बच्चों क्या हम आगे बढ़े? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, सेल्स इन पैरेलल। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि इसमें बेस्ट क्वेश्चन का मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं होता हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे और ऐसा वैसा, लेकिन ये टॉपिक का डेरिवेशन तो मैं श्योर रहता हूँ कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जानता है वो कि ये एक ऐसा छोटा डेरिवेशन है जो लोगों को फंसा देता है क्योंकि क्लियर नहीं होता लोगों को। ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास 2 सेल्स, एक है E1 और इंटरनल रिलेशन से R1, दूसरा है E2 और ये क्या है R2। ठीक है, मान लिया हमने हमारे पास कोई पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B। क्लियर? तो E R1 है तो आपको भी पता है कि पैरेलल में है तो करंट अलग अलग होगा, I1 होगा और इसमें I2 होगा। लेकिन इतना तो आपको भी पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो वी ए बी यानी ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं पहले सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन सेल 1 देखिएगा, इन सेल 1
अगर मैं सेल वन की बात करूं तो मैं सेल वन की बात करता हूं तो देखता हूं कि सेल वन एक कैसा करंट कैसा बिहेव कर रहा है। सेल वन गौर से देखो यहाँ पे, तो क्या ये सेल वन जो है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है क्या, करंट दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? तो इसके एक क्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा तो मुझे पता है कितना है वी, हमने मान रखा है कितना वी, तो इक्वल्स टू क्या होगा, ई वन माइनस आई वन इंटू आर वन। क्लियर है? सिमिलरली अगर देखें, सिमिलरली अगर इस हिसाब से देखें तो मेरा आई वन का वैल्यू कितना होगा, तो अगर मैं लिखूं आई वन आर वन इक्वल्स टू ई वन माइनस वी, तो अगर मैं बात करूं आई वन इक्वल्स टू ई वन माइनस वी बाई आर वन, इज इट क्लियर? ये मेरा हो गया सेल वन, दिस इज मेरा इक्वेशन वन। अब मैं बात कर रहा हूं इन सेल टू, इन सेल टू दूसरे सेल में देखते हैं, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, ई टू माइनस आई टू आर टू। अगर मैं देखूं इसको तो क्या लिख सकता हूं, आई टू आर टू इक्वल्स टू ई टू माइनस वी, तो उस लिहाज से देखें तो आई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू माइनस वी बाई आर टू। This is equation टू, this is equation टू। क्लियर है क्या? मैंने दोनों सेल्स के अक्रॉस देखा, दोनों सेल्स के अक्रॉस करंट निकालने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ ई वन वी आर वन, दूसरे में ई टू वी और आर टू मीटर। बट एज वी नो हम जानते हैं कि हालत क्या है, कि मान लीजिए अगर टोटल करंट जो पास कर रहा है वो आई पास कर रहा है, अगर टोटल करंट पास कर रहा है आई पास कर रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टोटल आई जो है वो एक्चुअली आई वन प्लस आई टू के इक्वल है। बोलिए क्या हम नहीं कह सकते हैं जो आई है वो आई वन प्लस आई टू के क्या है, इक्वल है? किसी को इसमें कोई तकलीफ है तो बोलिए, देखो समझना है इसको, कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो। मैंने पहले लाइन में मान लिया कि दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यही मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्योंकि पैरेलल में लगा है तो दोनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दोनों एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड से, पहले का नेगेटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों के एंड्स के बीच, दोनों के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी तकलीफ है तो बताइए यहां तक। Anyone having any concerns, let me know. अब डेरिवेशन का हमारा इजी पार्ट बच रहा है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, आई वन आई टू की वैल्यू पुट करनी है, मुझे आई इक्वल्स टू क्या लिखना है, आई तो रहने देना है मुझे, और आई वन की वैल्यू पुट करनी है कुछ ई वन माइनस वी बाई आर वन प्लस E2 माइनस वी बाई आर टू। देखिए मजा आएगा तोड़ने में, इसको तोड़ते हैं, इसको क्या हो जाएगा, E1 वन बाई आर वन माइनस वी बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू माइनस वी बाई आर टू। इज इट क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा E1 by R1 plus E2 by R2 minus V common ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2। क्लियर? मैं थोड़ा इसको एक अलग फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, यहां मेरा इंटेंशन अलग है। मैं चाहता हूं कि मान लीजिए दोनों को रिप्लेस करके एक ही सेल लगा देते तो क्या हो, तो ए और बी रहता अभी भी, ये ई इक्विवेलेंट होता, रेजिस्टेंस क्या होता, आर इक्विवेलेंट होता,
और करंट कितना पास हो रहा होता, आई पास हो रहा होता, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना हो रहा होता, बी हो रहा होता। तो अगर इस लिहाज से देखें, अगर हम लोग इस लिहाज से देखें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिधर हम लाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, तो मैं वी वाले को एक तरफ लेके आता हूं, तो कितना हो जाएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 minus I, clear? एक तरफ लेके चले आए, यहीं से मेरा बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन बनने वाला है, डेरिवेशन V equals to, याद रखिएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by, ये पूरा टर्म जो है साथ में, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 by R1 plus 1 by R2, clear? Minus I by 1 by R1 plus 1 by R2। मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि जो दोनों इक्वेशन है इसको कंपेयर किया जाए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए। अगर दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं तो आप समझते हैं कि जो मेरा E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2। Is this clear to all of you? Very very important derivation. Is it clear? एंड आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है इट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू विच फाइनली टर्न इन टू अगर इसको रेसिप्रोकल ले लें तो वन बाई आर इक्विवेलेंट अगर ले लेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। ये तो रेजिस्टेंस में तो दिमाग ही लगाना है, तो पैरेलल वाला सीधा फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस में तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे, तो सीधा सीधा पैरेलल का फॉर्मूला है, दिमाग लगाना है तो इस पे लगाइए, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? Is it clear to all of you? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखने वाला फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है, E equivalent और R equivalent। R equivalent में आपको दिमाग नहीं लगाना, R equivalent तो सिंपल फॉर्मूला है, वो तो पैरेलल वाला है, लेकिन वन बाई ये E equivalent का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या होता है, E1 by R1। NCERT में अगर आप देखोगे एक बार, NCERT में दिमाग घूम जाएगा derivation। NCERT में एक बार देखने की कोशिश करोगे तो दिमाग थोड़ा घूम जाएगा। सो बेटर है कि आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें। अब आप पढ़ोगे NCERT में भी समझ में आएगा। क्लियर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, E1 by R1 by R1 plus E2 by R2 और 1 by R1 by 1 by R2। क्लियर है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं थोड़ी कहानी को आगे बढ़ा दूं, अगर लिख दूं कि if या मैं सीधे सीधे कहूँ जनरल फॉर्मूला, सीधे सीधे लिखूँ जनरल फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो तो जनरल फॉर्मूला तो बहुत क्लियर ही है, जनरल जनरल फॉर्मूला E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 up to EN by RN
डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू अप टू वन बाई आर एन, क्लियर? और आर इक्विवेलेंट जो होता है इट इज इक्वल टू वन बाई आर वन, सॉरी पैरेलल ना सीधा सीधा, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू वन बाई आर एन, क्लियर है? यहीं पे अगर मुझे कोई बोले कि इफ इफ एन सिमिलर सेल्स, एन सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, आर कनेक्टेड, अगर एन सिमिलर सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, याद रखिएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई बाई आर, सब सिमिलर हैं, प्लस ई बाई आर अप टू एन टाइम्स डिवाइडेड बाई वन बाई आर प्लस वन बाई आर अप टू एन टाइम्स, क्या हो जाएगा, एन इंटू ई बाई आर डिवाइडेड बाई एन इंटू वन बाई आर, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ई, क्लियर है? तो ई इक्विवेलेंट जो हो गया वो क्या हो गया, इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, अगर सिमिलर सेल्स में 1000 लगाओ या 1,00,000 लगाओ, जितने लगाने हैं लगा लो, ई इक्विवेलेंट आपका क्या रहेगा, ई ही रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आर इक्विवेलेंट तो जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है वही लिख दो, आर अपॉन एन हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको क्लियर रहनी चाहिए, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स, अगर आप सिमिलर सेल्स को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, तो पोलैरिटी, तो सॉरी सिमिलर सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट यूनिट जो रहेगा वो ई ही रह जाएगा, क्लियर है क्या? और यहां भी पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब सब्ट्रैक्शन है, और कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ठीक है? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? क्या सीरीज पैरेलल समझ में आ गया? अगले दिन क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आई होप सबको सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे पोटेंशियल राइज होता है, कैसे फॉल होता है, ये सब कर लेंगे। सब लोग होमवर्क दे रहा हूँ, पहला एक्सरसाइज मॉड्यूल का मुझे 2 दिन में बना लो, डिस्कशन रखूंगा। ट्यूजडे नहीं कर पाऊंगा तो वेंसडे या थर्सडे को डिस्कशन रखूंगा। आप लोग मॉड्यूल अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व करना शुरू करें एंड इसको खत्म करें, करंट को, करंट में पीछे नहीं, करंट में हम साथ साथ कंप्लीट करते हैं, करंट का मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट इट, क्योंकि हम चैप्टर खत्म होने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट करें, ना कि मॉड्यूल में ही लगे रह जाए हम लोग, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? चलो दैट्स इट, आज के लिए टॉपिक के लिए इतना ही। अब अरिज, आपने बोला कि सर जो होमवर्क दिए थे क्वेश्चन लास्ट डे, क्या होमवर्क दिया था अरिज, कैन यू टेल मी, क्या अरिज, कैन यू टेल मी क्या होमवर्क दिया था? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अरिज, डोंट वरी अरिज, जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप कर दो मुझे अरिज, एज यू ओनली रिमेंबर, जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? सिमिलर कैपेसिटर्स निधि, सिमिलर कैपेसिटर्स बोलिए निधि। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको भी डाउट है सर, सॉल्व किए बता दें कि उसके बाद से नहीं हुआ। क्या क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन डाउट है क्या? मतलब सर कल सिमिलर कैपेसिटर नहीं सर, सिमिलर रेजिस्टेंस सर, वो नहीं सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस सर आप बताए थे ना, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस सॉल्विंग टेक्निक में कि अगर आपको दिक्कत आ रही थी मैं बता देता हूं। मुझे एक सेकंड टाइम दो, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।